तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज जो भी टॉपिक है वो डिस्कस करने के बाद हम लोग इन टाइप के क्वेश्चंस को, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ये प्रीवियस नेट के एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस गेट का भी है, इन्हें हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्हें सॉल्व करने से पहले आपको जो भी बेसिक चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग वन बाय वन करेंगे इसे, बट अब देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, भले वो गेट का हो या यूजीसी नेट का हो या कोई अदर एग्जाम, जैसे आप बड़े एग्जाम की बात करें, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जेस्ट की बात करें, ये सब का कॉमन टॉपिक है डिजिटल डिजाइन, ठीक है। ये सब का एक कॉमन टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ना जो आर्किटेक्चर के होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। तो अगर आपका ये पोर्शन कमजोर है तो बाकी को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होने जा रही है, ठीक तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ थोड़ा अभी, ठीक है। और मैं पहली बार लाइव आ रहा हूं, तो अगर कोई थोड़ा सा, चलिए हम लोग क्या देखेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट होता है ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कॉम्बिनेशनल सर्किट से, कॉम्बिनेशनल सर्किट से, ठीक है। अगर आपको आवाज सुनाई नहीं दे तो आप लोग बताइएगा। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने एडर्स पढ़ा था, हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स, ये सारी चीजें थी, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल में आते थे। ऐसा क्यों है, कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या है, अगर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करें तो किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आपका आउटपुट होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, ठीक है ना। मतलब आपने क्या इनपुट दिया उसी के बेस पे आउटपुट डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाफ एडर की बात करें, ठीक है, सपोज ये हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं हाफ एडर का, ठीक है। ये हाफ एडर है हमारा, ये सम के लिए है और ये कैरी के लिए है। तो अगर हम जीरो जीरो देंगे तो आउटपुट आएगा सम में जीरो, कैरी में आएगा जीरो। अगर जीरो वन इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, सम में वन, कैरी में जीरो। अगर इसे वन जीरो देंगे तो क्या आएगा, अगेन सम वन, कैरी जीरो। और वन वन देंगे तो क्या आएगा, सम में जीरो और कैरी में वन, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आउटपुट है, इट टोटली डिपेंड्स, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट, हमने क्या इनपुट दिया उसी पर डिपेंड कर रहा है। बट कॉम्बिनेशन सर्किट दे आर डिफरेंट। सपोज हम एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, किसका, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल, जैसे एक क्लास में आपका एक कलीग है, ठीक है, आप लोग सेम क्लास में पढ़ते हैं, एक दिन क्लास के बीच में ये आपका है हरीश और ये है राजीव, मान लीजिए हरीश को पेन चाहिए था, उसका पेन जो है उसकी इंक खत्म हो गई, उसने राजीव से पेन मांगा, राजीव के पास एक्स्ट्रा पेन तो था लेकिन राजीव ने नहीं दिया, ठीक है, बात आई गई हो गई। कुछ समय के बाद सेम सिचुएशन राजीव का आया, राजीव का जो पेन है वो खत्म हो गया था और उसे
उसे जो है इनकम की जरूरत थी, उसने हरीश से पेन मांगा, लेकिन हरीश को पिछली बात याद थी, उसने क्या किया, पेन होते हुए भी इसे नहीं दिया। तो हरीश का जो एक्शन है, रिएक्शन है, वो किस पे डिपेंड था, पास्ट इनपुट पे, ठीक है, यानी इसे चीजें याद थी, तो ये एक सीक्वेंशियल सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हरीश को पिछली बात याद नहीं होती और उसका एक्शन क्या होता कि वो उसको पेन दे देता, इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। सेम आप इस एग्जांपल में इन चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सीक्वेंशियल सर्किट का सबसे कॉमन एग्जांपल है वो हमारा है फ्लिप फ्लॉप्स, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है ना। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सॉरी ये सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है। नाउ सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक है, और उसके स्टेट पे, कहीं कहीं ना इस स्टेट के बदले लिखा होगा पास्ट इनपुट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पास्ट इनपुट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इस पास्ट इनपुट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो आपका है, सॉरी इस स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, पास्ट इनपुट, ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो बिहेवियर होगा, आउटपुट पैटर्न होगा सीक्वेंशियल सर्किट का, वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट इनपुट पे और स्टेट पे। इसीलिए हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट जो है इसमें मेमोरी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट के पास क्या होता है, मेमोरी होता है, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास नहीं होता। अब इसमें हमें क्या देखना है, फ्लिप फ्लॉप। अधिकतर क्वेश्चन आपको फ्लिप फ्लॉप के बेस पर देंगे, जैसे आपको काउंटर भी डिजाइन करना होगा, जो भी बाकी अदर क्वेश्चंस है वो फ्लिप फ्लॉप के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हमारे सीक्वेंशियल सर्किट। तो चलिए पहले हम लोग फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है, पहले इस बात सबसे पहले आप फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन देखें। फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, इट्स अ बाइनरी स्टोरेज डिवाइस। ऐसा बाइनरी स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां वन का मतलब न्यूमेरिक वन से नहीं है, इसका वन से मतलब है यहां पे आइदर जीरो और वन, ठीक है। यहां वन से क्या मतलब है, वन बिट मतलब जो वो बिट है, हो सकता है वो जीरो हो सकता है वो वन, ठीक है। अब जो हमें फ्लिप फ्लॉप हमें कॉमनली देखना है वो पहला है आरएस फ्लिप फ्लॉप। कुछ फ्लिप फ्लॉप के नाम है, कुछ के नाम नहीं है। दूसरा है जेके फ्लिप फ्लॉप, नाम मतलब फुल फॉर्म, ठीक है, नाम तो हो गए। तीसरा आपको देखना है डी फ्लिप फ्लॉप, और चौथा जो देखना है वो है टी फ्लिप फ्लॉप। ये चार जो है इनके बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। ये चार जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखना क्या क्या है, तो आपको इनके लिए देखना है ब्लॉक डायग्राम, इनका ब्लॉक डायग्राम के बाद देखना है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है या ट्रूथ टेबल, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसका एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल, और फिर एक्साइटेशन टेबल के बाद हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, आरएस फ्लिप फ्लॉप से। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट, मैं एक बार कमेंट देख लूं।
ठीक है। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप जो है, अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाए तो ये कैसा बनेगा, कुछ ये कुछ ऐसा बनेगा। ये आर है, ये एस है, ये क्यू है और ये क्यू बार, ठीक है। और ये हमारा हो गया आर एस फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब देखिए एक चीज, हर एक फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक लगा होता है। ये चीज आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट में एब्सेंट था, ये क्या है, क्लॉक, जो कि फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये क्लॉक नहीं था, आप याद करिए। तो ये क्लॉक क्या करता है, ये क्लॉक पूरे फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यहां कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने यहां इनपुट दिया आर को 0 और एस को 0, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप तब तक आउटपुट नहीं देगा जब तक कि ये क्लॉक इसको सिग्नल ना करे, ठीक है। ठीक बिल्कुल उसी की तरह जैसे आप ओलंपिक वगैरह में देखते हैं, ओलंपिक तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्प्रिंटर जो है अपना पोजीशन लेके खड़े होते हैं दौड़ने के लिए, लेकिन जब तक रेफरी की सीटी नहीं जाओ, मतलब रेफरी सिग्नल नहीं देता, वे दौड़ना स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। ये ठीक वही एग्जाम्पल है, जब तक ये क्लॉक अलाउ ना करे, ये जो फ्लिप फ्लॉप है कोई आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए पहले हम लोग इसका ना ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल को आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बोलते हैं, या तो ट्रुथ टेबल बोलेंगे या इसे आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोलेंगे या इसे आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमने R बनाया, ये S है, और ये जो है QT+1। अब यहां देखना क्या है, हर एक कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, वेदर इट इज R, RS, JK, D और T, जो उसका मेन आउटपुट होता है वो ये Q होता है, ठीक है। और इसी Q पे, ये जो Q है इसी पे डिपेंड करेगा इसका क्यू बार, मतलब ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। मतलब अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पूरे इंटायर डिजिटल में आपको दो ही सिंबल मिलेंगे, 0 या 1, इसके सिवा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्लियर। नाउ क्योंकि क्यू हमारा मेन आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का, फिर ये QT+1 क्या है। तो देखिए जब फ्लिप फ्लॉप आप लेकर आएंगे तो किसी न किसी स्टेट में होगा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पे वो फ्लिप फ्लॉप किसी स्टेट में है, वो है टाइम टी। सपोज अभी 9:15 एग्जाम्पल के लिए, 01 सेकेंड, इस समय फ्लिप फ्लॉप जो है क्यूटी स्टेट पे है। अब आप इसे क्या करेंगे, इसे इनपुट देंगे, जो भी इनपुट आपको प्रोवाइड करना रहे, जब तक क्लॉक नहीं अलाउ करेगा ये आउटपुट नहीं देगा। जैसे ही क्लॉक हुआ तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आउटपुट तो हमारा क्यू है, लेकिन टाइम जो है वो टी से बड़ा ही होगा, इसलिए यहां टाइम को लिख रहे हैं T+1, ठीक है। टाइम को क्या लिख रहे हैं, T+1 से दिखा रहे हैं, ठीक। तो T+1 जो है ये हमारा क्लॉक के बाद, आफ्टर क्लॉक जो हमारा आउटपुट होगा वो इसके लिए है, ठीक है। अब देखिए हमने यहां पे रखा 0 और 0, चार कॉम्बिनेशन होंगे, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0 और ये 1 और ये 1, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। 0 0 पे आप लिखेंगे QT, QT का मतलब है जो पहले था वही रह गया, तो इसे आप बोलते हैं नो चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है यहाँ पे स्टूडेंट 0 लिख देते हैं, वो गलत है, ठीक है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, QT,
मे बी वो हो सकता है वन स्टेट में हो, तो वन ही रहेगा, जीरो तो जीरो में रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, जब आपने क्यू आर को जीरो दिया और एस को वन दिया, तो ये जो है ना सेट स्टेट में चला जाएगा, मतलब Qt 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इसे आप बोलते हैं सेट स्टेट, ठीक है। जब आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, इसे बोलेंगे रीसेट स्टेट, ठीक है। जब आर और एस दोनों 1 1 है, उस केस में ये जो है इनडिटरमिनेट स्टेट में चला जाए, इसमें चला जाएगा इनडिटरमिनेट, मतलब ये वो कॉम्बिनेशन है जिस समय फ्लिप फ्लॉप जो है रेस कंडीशन में चला जाता है, या इसमें चला जाता है इनडिटरमिनेट स्टेट, ठीक है, या इनडिटरमिनेट स्टेट में जाना, मतलब उसके आउटपुट को प्रेडिक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, सर्किट जो है आपके कंट्रोल के बाहर है, इनडिटरमिनेट, ठीक है ना। इसीलिए आर एस फ्लिप फ्लॉप के इस कॉम्बिनेशन को, आर की वैल्यू जब 1 हो और एस की वैल्यू 1 हो, हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है, ये फॉरबिडन है एक तरह से, इसे आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है, या कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है, हमने देखा यहाँ पे 1 1 का जो कॉम्बिनेशन है, आर के लिए 1 और एस के लिए 1, ये हम लोग यहाँ यूज नहीं कर पा रहे, तो हम लोग आएंगे दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, जो कि हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप। जब एक बार आप ये कर लें, इसका ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, तब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हम मैंने शुरू में आपको दिखाया, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे तो फिर वो दिक्कत होगी, वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। नाउ जेके फ्लिप फ्लॉप भी सेम है, आप इसका अगर ब्लॉक डायग्राम दिखाएं, तो ये हो गया हमारा जे, ये हो गया के, ये जे है, ये के है। आप क्लॉक बनाना मत भूलिएगा, हर एक फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक तो होगा ही होगा, ये है क्लॉक। क्लॉक भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और दूसरा होता है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसके डिस्कशन जो है बाद में करेंगे, ठीक है। ये आपका क्यू है और ये आपका क्यू बार है, तो देखिए ब्लॉक डायग्राम करीब करीब सबका सेम ही बनेगा, ये हमारा आर एस फ्लिप फ्लॉप का था, ये देखिए जे के फ्लिप फ्लॉप का है, बस नाम यहाँ जो इनपुट है वो हो गया जे और के, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे या कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे, तो ये रहा जे, ये रहा के, और इधर हम लोग बनाएंगे Qt+1। Qt+1 का क्या मतलब है, हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। नाउ जब जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 0 है, ठीक है, उस समय क्या होगा आउटपुट, नो चेंज, मतलब जो आपने जो स्टेट पहले था वही रहेगा, नो चेंज। जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू, जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1, उस समय ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना, क्लियर मतलब 0, ठीक है, इसे बोलेंगे क्लियर या रीसेट स्टेट। जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0, उस समय ये आ जाएगा सेट में, इसे बोलेंगे सेट स्टेट। वेन एवर जे इक्वल टू 1 एंड के इज ऑल्सो इक्वल टू 1, नाउ इट विल बी क्यू बार टी, मतलब ये स्टेट जो है, जो प्रीवियस स्टेट था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हमने, कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब है अगर वो 0 था तो क्या हो जाएगा 1, और 1 था तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बताइए एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या,
यस यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे आते हैं। नो डाउट, जे के बाद जो है हमारा अगला जो फ्लिप फ्लॉप है वो है डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप, इसका शॉर्ट में एक नाम है, इसको बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जेके का कोई खास नाम तो नहीं है, लेकिन आरएस का भी एक नाम था, मैं यहां लिखना भूल गया, आर फोर रीसेट और एस फोर सेट। तो कभी कभी ना आपको ये लिखा मिलेगा एस आर फ्लिप फ्लॉप, वो भी गलत नहीं लिख रहा, वो लिखने का तरीका है, कोई आपको पहले लिख सकता है, कोई बाद में भी लिख सकता है। ठीक है ना, तो एस आर लिखे आर एस लिखे दोनों सेम ही है, तो सेट रीसेट या रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं? डेटा फ्लिप फ्लॉप। अब ये इस पे ना गेट जो है बहुत, या नेट भी बहुत क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन फ्रेम करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, अब देखिए आप कैसे दिखाएंगे, अभी तक आपने जो भी फ्लिप फ्लॉप देखा उसमें दो इनपुट थे। ठीक है, उसमें दो इनपुट थे, पहली बार इसमें जो इनपुट होगा केवल एक होगा, ये डी है, ये हमारा क्लॉक पल्स है, क्लॉक है। ठीक है, ये आपका क्यूटी है, सॉरी क्यूटी नहीं लिखेंगे हम लोग, क्यू लिखेंगे। ठीक है ना, और इसे लिखेंगे आप क्यू बार। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहां सिर्फ एक ही इनपुट है, आउटपुट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे, हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ये डी है और यहां लिख रहे हैं क्यू टी प्लस वन। ठीक है, जब डी की वैल्यू जीरो होगी, जब डी की वैल्यू जीरो होगी तो आउटपुट भी आपको जीरो मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्लॉक पल्स के बाद। डी की वैल्यू जब वन होगी तो आउटपुट भी वन होगा। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं, क्योंकि जो देंगे इनपुट में वही आउटपुट में मिलेगा, दैट्स वाई ऑफन दिस फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड डेटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नाउ डी के बाद जो अगला फ्लिप फ्लॉप आपको देखना है दैट इज टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, इसका इसको बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। नाउ टॉगल का मतलब आप सबको पता होगा, ठीक है ना, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल का मतलब है जैसे हमने एक बार कैप्स को प्रेस किया, कैप्स लॉक, फिर प्रेस किया कैप्स लॉक हट गया, फिर प्रेस किया कैप्स लॉक। ठीक है, तो वो टॉगल हो रहा है, ठीक है, 0 1 के बीच में, एक तरह से बोल सकते हैं। तो टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप के लिए पहले ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ये रहा हमारा ब्लॉक डायग्राम, ये टी है और ये हमने लगाया क्लॉक। ठीक है, नाउ ये आउटपुट हमारा क्यू है और ये है क्यू बार। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम लोग, तो कैसे बनाएंगे देखिए, ये हो गई हमारी टी की वैल्यू और इधर लिखेंगे क्यू टी प्लस वन। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक ही इनपुट है, या होगा जीरो या ये होगा वन। अगर टी की वैल्यू जीरो है और क्लॉक आप देते रहे, वो जो आउटपुट है ना वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, वो जैसा था पहले वैसे ही रहेगा। तो वेन एवर टी इज जीरो एंड ए क्लॉक पल्स अकर द वैल्यू विल रिमेन सेम, इसे बोलेंगे नो चेंज। लेकिन टी की वैल्यू अगर वन है और अगर आप क्लॉक पल्स देते हैं
वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टेट क्या हो जाएगा, वैल्यू नहीं बोलेंगे स्टेट बोलेंगे, स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला हमने, वेन एवर दैट वैल्यू फॉर टी इज वन एंड ए क्लॉक पल्स ऑकर स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो जो चारों बेसिक फ्लिप फ्लॉप थे ये हमने देख लिया। अब जो है हमें क्या देखना है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मास्टर स्लेव जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी अभी हम लोग बेसिक थोड़ा क्लियर कर, उसके बाद हम लोग मास्टर स्लेव देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा ना, फिर वो हमें जो हमारा कंसेप्ट है बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। अब देखिए, हमने चारों फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखा, कौन कौन सा, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हमने उसका ट्रुथ टेबल भी देख लिया, और हमने डेफिनेशन में कहा था फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक बाइनरी स्टोरेज डिवाइस है जो वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से क्लियर है। अब देखिए, अगर इतना क्लियर है तो हम कुछ गेट के क्वेश्चन और प्रीवियस यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट में लिखेंगे, देन वी डिस्कस। ठीक है ना, अदरवाइज मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो कोई खास फायदा होगा नहीं। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये हमारे यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ इसमें क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, इन आरएस फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एट टाइम टी प्लस वन इज सेम एज द आउटपुट एट टाइम टी After the occurrence of a clock pulse, if, ठीक है, अब जरा बताइए तो इसका आंसर क्या होने जा रहा है। ये हमारे यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन। गेट के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है नेट के मुकाबले, ठीक है, बट आप इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। और अब आपको पता होगा कि बिना, अब तो बीटेक वाले भी यूजीसी नेट के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे बाद में बात करेंगे कभी। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर यहां वन देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन, इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, वन आर की वैल्यू, एस आर की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों वन के बराबर। ठीक है, दूसरा एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन, इसके बराबर एस वन आर जीरो, एस आर दोनों की वैल्यू जीरो, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। यस सेवा, जरा बताओ तुम, अभी हमने डिस्कस किया था, मतलब क्या बोला जा रहा है, आर एस फ्लिप फ्लॉप में हम ऐसा क्या इनपुट दें कि आउटपुट जो पहले था वही रहे। बताइए कमेंट में, यस, बाकी लोग, सपना, शारदा, बाकियों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, उन्होंने कभी कमेंट किया ही नहीं। अच्छा, लाइक भी किया जाता है, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए। ठीक है, इसका क्या आउटपुट आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, इन आर एस फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एट टाइम टी प्लस वन इज सेम एज द आउटपुट एट टाइम टी आफ्टर द अकरेंस ऑफ ए क्लॉक पल्स इफ, इफ क्या, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी और डी। ठीक है, देखिए यहां हमने देखा था, क्या देखा था, आरएस फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। ठीक है,
क्या कहा था? आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, तो हमारा जो आउटपुट है ना, वो जो पहले था वही रह जाता है, देर विल बी नो चेंज। ठीक है, 0 1 में क्या देखा था, ये हो जाता है सेट। 1 0 में क्या हो जाता है, रिसेट या क्लियर। और 1 1 क्या था, ये तो फॉरबिडन था, रेस कंडीशन। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेन एवर एस और आर दोनों 0 हो, तो जो आपका आउटपुट था वो सेम ही रहेगा, मतलब टाइम टी प्लस 1 में जो आउटपुट था वो टाइम टी के बराबर ही होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी विल करेक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल सर्किट, अब ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या थोड़ा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियल सर्किट क्या मल्टीप्लेक्सर सिक्वेंशियल सर्किट है? नहीं, मल्टीप्लेक्सर क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है। डिकोडर क्या है, अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन सर्किट। फुल एडर अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन सर्किट, बट ये काउंटर जो है, काउंटर हमारा क्या है, काउंटर इज अ सिक्वेंशियल सर्किट, क्योंकि आप उसे फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से डिजाइन करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ ए सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली, पास्ट इनपुट ओनली, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट एंड पास्ट इनपुट ओनली। आप क्या बोलेंगे जरा बताइए इसमें, अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लैंग्वेज पकड़ने वाला। प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है क्या होगा, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा भी लिखा होता है, यहां पे मान लीजिए यहां लिखा होता है ऐसा कि बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड स्टेट, ये भी हमारा सही हो जाता। क्यों सही हो जाता, क्योंकि ये स्टेट को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, पास्ट इनपुट। देखिए आप ऐसे करिएगा, जैसे मैं अभी बहुत खुश हूं, ठीक है, अब कोई आया और कुछ ऐसा वैसा कर दिया कि मेरा जो मूड है वो खराब हो गया, तो मेरा स्टेट क्या है, अभी मूड ऑफ है मेरा, किस वजह से, वो जो अभी इनपुट आया था उसकी वजह से। ठीक है, तो आप क्या है, ये पास्ट इनपुट लिखें या स्टेट लिखें, ये दोनों चीज यहां पे सेम है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमारा नेट का क्वेश्चन है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या बोल रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड डेटा फ्लिप फ्लॉप बिकॉज, इसे डेटा फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं बताइए। यस, इसे डेटा फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं, इसे डेटा फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहा जाता है कि जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, इट्स क्यू वैल्यू विल बी सेम एज इट्स इनपुट, इट्स क्यू वैल्यू विल बी कॉम्प्लीमेंटेड व्हेन इनपुट टू डे इज वन, इट्स क्यू वैल्यू विल बी कॉम्प्लीमेंटेड व्हेन द इनपुट टू डे इज वन, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जबकि ये प्रीवियस नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। डी फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं, डेटा फ्लिप फ्लॉप इसीलिए बोला जाता है, हमने शुरू में डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स, टॉगल्स मतलब हमने कहा था कि अभी प्रेस किया कैप्स वाला, ठीक है, कैप्स लॉक, हमने बटन एक बार प्रेस किया तो क्या हो गया, कैप्स लॉक हो गया, फिर प्रेस किया अनलॉक हो गया, फिर प्रेस किया लॉक हो गया, फिर प्रेस किया अनलॉक हो गया, इसे बोलते हैं टॉगल करना दो स्टेट के बीच में। तो स्टेट क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से। ठीक है, इसे टॉगल करना कहते हैं। तो फ्लिप ए टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स कब, व्हेन एवर द वैल्यू फॉर टी इज 1 एंड ए क्लॉक पल्स अकर इट्स स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन है, टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए और क्या है, क्लॉक पल्स अगर हो तो स्टेट जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। दूसरा क्या है, व्हेन एवर द वैल्यू फॉर टी इज 0 एंड ए क्लॉक पल्स अकर्स स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। ये गलत है, टी की वैल्यू 0 हो तो सेम ही रह जाता है।
whenever the value for t is 1 and no clock pulse occur, बिना क्लॉक पल्स के कैसे काम करेगा, ठीक है, सिक्वेंसर सर्किट में बिना क्लॉक के वो काम ही नहीं करेगा। और यहां भी अगेन है चौथे ऑप्शन में नो क्लॉक पल्स अकर, तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा अब जरा बताएं आप, ठीक है, क्या बोलता है ये, द नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू डिजाइन 270 मॉड्यूलर 272 काउंटर इज, कितने डी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे बताइए जरा, यस ठीक है, किसी का आंसर नहीं है तो चलिए मैं बताएं, तो हमने देखा था एक फ्लिप फ्लॉप जो है, मान लीजिए ये है, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर सकता है, हो सकता है वो बिट जीरो हो सकता है वो बिट वन, ठीक है, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप में दो वैल्यू स्टोर होंगे जीरो या वन। अब हमने क्या किया, अगल बगल दो फ्लिप फ्लॉप लगा दिया ऐसे, एक वन, ठीक है, अब इसमें वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, मतलब जीरो वन टू थ्री, टोटल कितने वैल्यू हो जाएंगे, चार, ठीक है। उसी तरह अगर हमने मान लीजिए हमने तीन फ्लिप फ्लॉप को अगल बगल लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रजिस्टर जो है फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, जीरो 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 से लेके जीरो जीरो वन, ऐसे करते करते फाइनली वन वन वन, तो ये जीरो से लेके सेवन तक, मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इट्स एट कॉम्बिनेशन, मतलब टू का पावर थ्री, ठीक है। तो जितने भी आप फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे ना उतने काउंटिंग हो जाएंगे। अब आपको काउंट कहां तक करना है, मॉडुलो 272, तो मॉडुलो का मतलब है किसी भी नंबर को आप अगर 272 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, भले ही कोई नंबर, तो रिमाइंडर कहां तक आ सकता है, रिमाइंडर आ सकता है जीरो से लेके 271 तक, ठीक है, 272 कभी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मॉडल 272 काउंटर इज, अगर आप 8 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो 2 का पावर 8 कितना होगा, 256। अब देखिए नंबर सिस्टम यहाँ पे काम आएगा, अगर नंबर सिस्टम आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ मुश्किल होने वाली है। ये तो आंसर सरासर गलत है, 27, ये तो 2 का पावर 27 तक आ सकता है, ये क्या है 2 का पावर 11 तक आ सकता है, जो कि हो जाएगा वो 2 का पावर 10 होता है 1024, ये हो जाएगा 2048, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है, क्यों, 2 का पावर 9 का मतलब होता है ये 512 तक काउंट कर सकता है, ठीक है। अब किसी के मन में ये डाउट आएगा, क्वेश्चन में तो बोला है 272 तक, मतलब 0 से लेकर 271 तक काउंट करना है, तो ये 512 हम क्यों लेंगे, तो देखिए ये मजबूरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 में आपका काम चलेगा नहीं, 8 में आप 255 तक काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो 9 अगर आप लेंगे तो भले ही कुछ कॉम्बिनेशन बेस्ड जाए लेकिन आपका जो काउंटिंग है वो 271 तक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 9, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये गेट में भी आया हुआ है और नेट वाले एग्जाम में भी आया हुआ है बहुत बार, ठीक है, क्लियर। नाउ सेम क्वेश्चन, लेकिन यहां हम फ्लिप फ्लॉप क्या बदल रहे हैं, इस बार ये टी फ्लिप फ्लॉप है बजाय की डी फ्लिप फ्लॉप, इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा, द नंबर ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मॉडुलो 272 काउंटर इज, यस, द नंबर ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मॉडुलो 272 काउंटर इज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए आप लोग थोड़ा आंसर करिए इसका, बाकी लोग सिवा सारदा अपना
तो आप प्रैक्टिस देखिए, गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और आपके नेट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप आंसर करेंगे तब तो कितना आंसर आएगा। मैं इसे नंबरिंग दे दे रहा हूँ, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आएगा। यस नहीं, देखिए कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, वेदर इट इज RS फ्लिप फ्लॉप, वेदर इट इज RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो वो सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकता है। हमने क्या कहा, RS हो, JK हो, D हो या T हो, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो वो सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आप यहां अगर लगाएंगे 272 वाला जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में था, तो भले ही ये टी फ्लिप फ्लॉप हो जो आंसर है वो हमारा सेम रह जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9। क्लियर, सेम ही रहेगा, यहाँ डी है यहाँ टी है। इसके बदले मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया रहता कि नहीं हम RS फ्लिप फ्लॉप यूज करें, क्या आंसर बदलता, नहीं, क्या JK यूज करते आंसर बदलता, नहीं, तो डी हो टी हो RS हो JK हो आपका आंसर सेम ही रहता, ये बदलेगा नहीं। क्लियर, क्योंकि हमने शुरू में कहा था फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप इज ए बाइनरी स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाटएवर द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इट इज गोइंग टू स्टोर जस्ट 1 बिट, ठीक है, आइदर 0 और 1। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 9 ही रहेगा। इस थोड़ा इस सबको रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम आपका जो है आज आपने देखा ही था, वो नोटिफिकेशन आ गया है कंप्यूटर साइंस का, कब है, शायद 23 तारीख को है, 23 अगस्त, हम लोग 23 अगस्त तक ना सारी चीजें को रिवाइज कर लेंगे एक बार, क्योंकि ऑनलाइन में एक बेनिफिट है कि आप रात में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इसमें मुझे खड़े होकर बोर्ड पे नहीं पढ़ाना पड़ता, तो मैं काफी देर तक इसमें एक क्लास ले सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए आइए नाउ अब आते हैं इस पे, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वॉट आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ क्यू वन एंड क्यू जीरो आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स इफ द इनिशियल वैल्यूज आर 0 0 इन द सिक्वेंस सर्किट गिवन बिलो, ठीक है, जरा इसे सॉल्व करिए। चलिए अब ये देखिए, ये सब गेट का क्वेश्चन है, लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेट में भी आया हुआ है, हमने इसका नंबर कर देते हैं, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, करिए जरा, आज 1 घंटे की क्लास रखेंगे, ये पहली क्लास है, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ऑनलाइन आने का, लेकिन मेरे ख्याल से ये उतना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है ना। चलिए बस आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम, ये कैसे पता नहीं चलता कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 कोई सॉल्व करेगा, ये CX किसके लिए है, ये क्लॉक के लिए, ठीक है, अब चलिए मैं ही सॉल्व करता हूं उसे, इसका क्या आंसर आया, बाकी लोग थोड़ा बताएं, शारदा सपना, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। यस अच्छा, चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना, 10 का 9, ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छा ये पहले का ऑप्शन था, ठीक है, इस वाले को बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा इसमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन जरा इसे ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आ रहा है।
यस अच्छा देखिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? ये आप लोग ट्राई करेंगे? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 11। ये शारदा बताइए जरा। ऑप्शन 3, 01। अच्छा देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? पहली बात, ये जो यहाँ पे है ना टी की वैल्यू, ये डायरेक्टली फीड है और वन है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। देखिए माइन्यूट पॉइंट से नोट करिएगा, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है? और यही जो वैल्यू है टी की वैल्यू, यही फीड किया वहां पे, मतलब यहां भी वन है, ठीक है? अब एक बात देखिएगा, हम लोग क्या देखे थे टी फ्लिप फ्लॉप में, टी फ्लिप फ्लॉप के हमने ट्रूथ टेबल में देखा था, थोड़ा ऐसा साइज तो है मोटा बोलूं, ठीक है? टी फ्लिप फ्लॉप में हम देखा था ये हमारा ट्रूथ टेबल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको ट्रूथ टेबल जरूरी है, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टी की वैल्यू जब 0 थी तो क्या होता था, नो चेंज, क्यू टी ही रह जाता था, और टी की वैल्यू जब 1 होती थी तो क्या होता था, स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड, ये हमने देखा था। लेकिन ये हो कब रहा है, क्लॉक देने के बाद, बिना क्लॉक के ये कुछ नहीं होगा, ठीक है? बिना क्लॉक के ये कुछ नहीं होगा, क्लॉक देने के बाद। तो देखिए ये जो क्लॉक है ना, ये सीधे इस सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, यहां देखिए क्लॉक लगा हुआ है, और क्लॉक दो तरह का होता है। यहां देखिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, और वो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और दूसरा है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है? इसे मैं थोड़ा अलग से बता दूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए हमने क्या देखा, पॉजिटिव एस ट्रिगर्ड और नेगेटिव एस ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एस ट्रिगर्ड, और क्लॉक जो हो सकता है नेगेटिव एस ट्रिगर्ड, ठीक है? अब देखिए जब हम क्लॉक ट्रेन की बात करेंगे, क्लॉक पल्स की, तो आप ऐसे बनाते हैं डिजिटल में क्लॉक पल्स, ठीक है, इस शेप में, क्योंकि ये ट्रेन की तरह दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉक ट्रेन। क्या बोलते हैं, क्लॉक ट्रेन। नाउ ये जो नीचे वाला वैल्यू है दिखाता है 0, और ये ऊपर वाला दिखाता है, पीक वाला वैल्यू दिखाता है 1, ठीक है? अब जो भी फ्लिप फ्लॉप जब ये वैल्यू जो है 0 से 1 में एक्टिवेट हो और अपना आउटपुट दे, उसे बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर। मतलब वो 1 से 0 वाले में वो सोया रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है? ये 0 है, इससे 1 हो रहा है, इस समय वो एक्टिवेट हो जाएगा, 1 से 0 में वो सोया रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, वो जो नेगेटिव वाले एज है उसमें ट्रिगर होंगे। तो देखिए मैंने इसे बता रहा हूं नेगेटिव एज ट्रिगर, ठीक है? ये देखिए ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, इस वाले में वो सोया रहेगा, लेकिन जब ये 1 से 0 होगा इट विल एक्टिवेटेड, ठीक है? ये है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। जैसे ये आपको बोला जाए, जो अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो यहां पे वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है? यहां वैल्यू क्या है, वो इसमें एक्टिवेट होगा यहां पे कि इसमें एक्टिवेट होगा, तो आप बोलेंगे इसमें एक्टिवेट होगा, इसमें वो एक्टिवेट नहीं होगा, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का पहचान है, ठीक है? और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का पहचान है। ठीक उसी तरह से जैसे कुछ लोग देर रात को पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग जो है सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, बस दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस है। अब दिखाया कैसे जाता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड को दिखाने का तरीका है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड को आप ऐसे दिखाना है, ध्यान से देख लीजिएगा सिंबल को, ये जो है ना ऐसे करके ये बनाया रहेगा या क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। लेकिन जब वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की बात करेगा क्वेश्चन में, तो कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखता है, वो सोचता है कि स्टूडेंट को अपने से देखने दो कि इसको पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक बबल लगाया रहेगा पहले, ठीक है? और ऐसे ये हो गया हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, इसको याद रखिएगा आप।
ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम वापस क्वेश्चन में आए तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये था आगे, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे सॉल्व करें, पहले थोड़ा यहाँ पे मैं जगह बना लूं। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसके जो है ट्रू टेबल का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रू टेबल आप भूल गए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए टी की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पहली बार ये क्लॉक हुआ, क्लॉक कैसा है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है, 0 से 1 में। तो देखिए क्या बोलता है, व्हेनेवर, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इफ द इनिशियल वैल्यूज आर 0 0, मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। अब जैसे ही क्लॉक होगा, टी की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, और क्लॉक हुआ, स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। अभी हमने देखा था ना, ये क्या हो जाएगा, ये 0 से हो जाएगा 1, मतलब पहले क्लॉक के बाद। आपको अगर डाउट हो तो यहां पे एक ऐसे लाइन बना दीजिएगा, पहला क्लॉक हुआ, फर्स्ट क्लॉक 0 से 1, 0 से 1 जो है ना, इसके लिए सिग्नल है कि चलो तुम काम करो। क्यों, क्योंकि 0 से 1 में ये पॉजिटिव है, इसमें मिल गया इसको, और ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहां पे, इसे भी वैल्यू क्या मिला हुआ है, 1। व्हेनेवर द वैल्यू फॉर टी इज 1 एंड ए क्लॉक पल्स अकर, स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। ये 0 था ना, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बोलिए पहला ये सबको क्लियर है कि 1 कैसे हुआ। अब देखिए अगला क्लॉक, आपने अगला क्लॉक दिया, अब यहां तो 1 तो डायरेक्टली फिटेड है, ये तो हमेशा स्टेट बदलेगा, ये 1 से हो गया 0, लेकिन जब ये 1 से 0 हो गया तो ये वाला एज है नेगेटिव वाला, ठीक है, और ये क्लॉक कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कुछ काम नहीं करेगा, ये वैसे ही पड़ा रहेगा, ये ट्रिगर ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ आउटपुट है 1 का 1 ही रह जाएगा। कितने क्लॉक पल्स हो गए, 2 क्लॉक पल्स। अब आइए तीसरा क्लॉक पल्स देखते हैं, तीसरा क्लॉक पल्स में क्या है, जैसे ही तीसरा क्लॉक पल्स हुआ, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही है, स्टेट जैसे ही क्लॉक पल्स हुआ स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड, 0 से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0 से 1 हुआ तो इस वाले के लिए ट्रिगर है, वो तो क्या होगा, इसमें भी 1 फिटेड है, देखिए डायरेक्टली, तो इसका भी स्टेट बदलेगा और ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0, ठीक है। तो 1 2 3 क्लॉक पल्स हो गए, अब चौथा क्लॉक पल्स देना है, बस चौथा क्लॉक पल्स क्या होगा, ये तो वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 0। ये क्या होगा, 1 से 0, इसके लिए कोई सिग्नल ही नहीं है, 1 से 0 में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, ये कोई काम नहीं करेगा, इसका ये 0 का 0 रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 क्लॉक पल्स के बाद जो आउटपुट है वो क्या है, 0 0। ध्यान दीजिएगा कि Q0 भी 0 है और Q1 भी 0 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q0 आफ्टर 4 क्लॉक साइकल्स इफ द इनिशियल वैल्यूज आर 0 0। आपका आंसर क्या होगा, 0 0, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। आपका आंसर था ये 4, देखिए जरा सबको चेक करिए एक बार, क्या 11 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर था, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी भी। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आप रीड करिए थोड़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ाया सर, सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं और उनका ट्रूथ टेबल क्या है, और इतना ही में देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और हमने क्या कहा था, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट में जो आउटपुट है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, बट इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट सर्किट जो है आउटपुट वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और स्टेट पे या पास्ट इनपुट पे, ठीक है ना। मतलब सीक्वेंशियल सर्किट के पास मेमोरी एलिमेंट है। अब यहां पे जो 100 बार लगाया हुआ है, ध्यान दीजिए इसमें, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। मतलब ये वेट नहीं करेगा, इनपुट दिए वो दे देगा, इसमें कोई क्लॉक वगैरह नहीं होता। लेकिन ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं डी डी जीरो डी वन डी टू, जब तक इनको क्लॉक नहीं मिलेगा सिग्नल, ये आउटपुट नहीं देंगे, ठीक है ना। अब ये एलएसबी लगाया हुआ, एलएसबी का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और एमएसबी का मतलब क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसे सॉल्व करें। चलिए नाउ, देखिए ये क्लॉक जो है वो सबके साथ साइमल्टेनियसली फीडेड है। मतलब जैसे ही क्लॉक सिग्नल होगा सारे जो फ्लिप फ्लॉप हैं एक साथ काम करेंगे, ठीक है। स्टेट कैसे दिया हुआ है, स्टेट डायरेक्टली ना देखे, उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4Q2 प्लस 2Q1 प्लस Q0। कोई बताएगा इसका आंसर क्या आया? यस, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा भी सॉल्व करके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसे सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। यस, नहीं चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बहुत हम लोग वेट कर लिए। देखिए नाउ Q0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1। Q0 आप यहां 1 रख दीजिए, ठीक है। Q1 की वैल्यू क्या दी हुई है, Q1 और Q2 दोनों ही 0-0 दिया हुआ है, मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो पहले आप ऐसे इनपुट सबका डिसाइड कर दीजिए, यहां पे 1 है, ठीक है। अब देखिए ये तो आउटपुट दिया हुआ है, नाउ ये वैल्यू है 0, मतलब यहां से मिला आपको 0 और यहां से मिला 0। 0-0 में 100 बार का क्या होता है, 100 बार में 0-0 में क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे जो है 0 वेट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
ये वन जो है इसके लिए इनपुट है, तो हम लोग थोड़ा यहां बढ़ा के लिख देते हैं वन, और ये जो जीरो है इसके लिए इनपुट है। ठीक है, अब हमने इनपुट तो लिख दिया, ठीक है, बाकी को मिटा देते हैं। ठीक है, नाउ एक चीज आप पहले ही कर ले, पहले वाले के लिए वैल्यू निकाल दें, क्योंकि पहले वाला दिया हुआ है क्यू जीरो की वैल्यू वन, क्यू वन की और क्यू टू की जीरो, इसमें अगर पुट करेंगे तो क्यू जीरो की वैल्यू क्या है, वन है, क्यू टू हमारा जीरो है मतलब टू इंटू जीरो, और ये क्यू टू क्या है, ये भी जीरो है फोर इंटू जीरो, इसका रिजल्ट क्या आएगा वन, लेकिन वन सब में है, देख रहे ना, वन जो है सब में है, तो आपसे कोई आंसर कट नहीं रहा है। अब हम लोग दूसरे के लिए डिसाइड करते हैं, हमने इनपुट डिसाइड किया, नाउ जैसे ही क्लॉक पल्स होगा, ये जो है ना क्लॉक सब में एक साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो तीनों एक साथ काम करेगा, उस समय डी जीरो को क्या मिला था, डी जीरो को मिला था जीरो, तो जैसे ही क्लॉक होता है डी जीरो क्या करेगा, जो इनपुट था उसको आउटपुट में दे देगा, मतलब इसका आउटपुट हो जाएगा जीरो, ठीक है, इसका आउटपुट हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसे क्या मिला था उस समय, वन, ये आउटपुट क्या देगा, वन। यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो पहले वाले को ना लेके ये जीरो वाला एज ए इनपुट ले लेंगे, वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नाउ इस वाले को क्या इनपुट था, जीरो, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो, तो अगला जो आउटपुट हुआ वो हो गया जीरो वन जीरो। जीरो क्या है हमारा, क्यू जीरो है जीरो, क्यू वन क्या है वन, और क्यू टू क्या है जीरो। इस इक्वेशन में पुट करिए, क्यू टू हमारा जीरो है तो फोर इंटू जीरो प्लस क्यू वन हमारा वन है टू इंटू वन, और क्यू जीरो हमारा जीरो है, ये क्या आएगा टू, तो वन के बाद टू, तो आप देख रहे हैं ना वन के बाद आया टू, तो ये आंसर कट गया। एग्जाम में ज्यादा बहादुरी मत दिखाइएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन और फोर कट गया। ठीक है, अब चलिए आगे एक स्टेप आगे बढ़े, अगली बार के लिए इनपुट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड वाला था ये हमारा अभी का आउटपुट है, ठीक है, जीरो वन जीरो। अब देखिए इनपुट डिसाइड करेंगे हम लोग, तो जीरो है, ये इसके लिए इनपुट हो जाएगा, अलग अलग कलर से लिख दे रहा हूं कि आपको डाउट ना हो, ये इसके लिए हो जाएगा वन, इसके लिए इनपुट क्या होगा, तो ये वन का, ठीक है, और ये जीरो का एक्स बार, वन जीरो का एक्स बार क्या होता है वन, तो इसके लिए इनपुट हो जाएगा वन जीरो, तो ये वन जीरो और जीरो, बाकी सबको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है, नाउ जैसे ही क्लॉक पल्स होगा ये क्या पास करेगा, डी को जो मिलता है वही पास कर देता है, तो हम लोग आउटपुट को अगेन रेड से लिख रहे हैं, ये वन, ये क्या पास करेगा जीरो, ये प्यास क्या पास करेगा वन, तो वन जीरो वन पुट करिए, क्यू जीरो की वैल्यू वन है मतलब वन, प्लस क्यू वन की वैल्यू क्या है, क्यू वन की वैल्यू जीरो है तो टू इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, क्यू टू की वैल्यू क्या है वन, तो फोर इंटू वन मतलब फोर, फोर और वन क्या है फाइव, तो आप देखिए फाइव आपका है ऑप्शन नंबर सी में वन टू थ्री, ये गेट का क्वेश्चन है, वो नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी मेहनत करें, तो आपका आंसर जो है थ्री वाला निकल जाएगा और ये टू वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप ये पूरे वाले को एक बार रिपीट कर लें। ठीक है, जैसे मैं एक स्टेप और कर दूं, अभी क्या आया फाइव आया था, कैसे आया वन जीरो वन से, एक स्टेप और करते हैं, मान लीजिए फिर हमें क्या करना है, आउटपुट डिसाइड करना है, इनपुट डिसाइड करना है डिफरेंट के लिए, तो ये जो है ये हमारा इनपुट इसके लिए बन जाएगा, ये हमारा जीरो इसके लिए इनपुट बन जाएगा, इसके लिए इनपुट क्या होगा, तो ये जीरो और ये वन, इसका एक्स ओआर, जीरो वन का एक्स ओआर क्या हो जाएगा वन। ठीक है, और बाकी को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब अगेन देखिए जैसे ही क्लॉक पल्स होगा इसे क्या आउटपुट मिलेगा, इसे क्या आउटपुट देगा वन, ठीक है ना, ये वन देगा आउटपुट, ये क्या देगा, क्योंकि इसे भी वन मिला था इनपुट के तौर पर, ये क्या देगा जीरो, क्योंकि इसका इनपुट जो है जीरो था।
पुट करिए इक्वेशन में, क्यू जीरो की वैल्यू क्या है वन, क्यू वन की वैल्यू क्या है वन, तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा टू, इसकी वैल्यू क्या है जीरो, तो फोर इंटू जीरो जीरो टू वन थ्री, देख रहे हैं आप फाइव के बाद थ्री आ रहा है, जबकि ये तो पहले ही गलत हो गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेट में बहुत बार आ चुका है, ये नेट में भी आ चुका है, तो ये बहुत सॉल्व करना आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको मिस करके, मान लीजिए आपने सिक्वेंसियल सर्किट का आइडिया ही नहीं है, आप ये जानते नहीं कि उसका ट्रू टेबल क्या है, आप सीधे जम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फिर ये नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है ना, तो हम लोग हमने हमने कैसे किया सॉल्व, हमारा एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमने पहले किया, हमने पहले सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है ये देखा आज, ठीक है, हमने देखा कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या है, हमने देखा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बाइनरी स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर वन बिट, फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, आर एस फ्लिप फ्लॉप जिसे सेट रिसेट, इसको एस आर भी बोला जाता है, तो एस आर बोले तो मत बोलिए गलत बोल, आर मतलब रिसेट, सेट मतलब सेट, ठीक है, रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप या सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, दूसरा था जेके फ्लिप फ्लॉप, इसमें क्या कमी थी कि इसमें हम लोग को आना पड़ा आर और एस का कॉम्बिनेशन वन वन, ये रेस कंडीशन में ले जा रहा था, ठीक है ना, तो सर्किट हमारे कंट्रोल में नहीं था। नाउ जेके में क्या होता है, जब वन वन जेके की वैल्यू रखते हैं तो स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना, तो जो इनपुट यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन यूज नहीं हो रहा था यहाँ पे हम लोग यूज कर पा रहे। उसके बाद हमने देखा डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसमें क्वेश्चन बनाना आसान होता है एग्जामिनर के लिए, तो काफी क्वेश्चन वो डी फ्लिप फ्लॉप से पूछेगा आपसे, इसमें हम जो देंगे वही आउटपुट में मिलेगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा फ्लिप फ्लॉप। फिर हमने देखा टी फ्लिप फ्लॉप जिसे हमने टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा सिंपल है, टी की वैल्यू जब जीरो दें इनपुट और कुछ भी करते रहे आउटपुट तो चेंज होगा ही नहीं, क्यूटी ही रहेगा, लेकिन टी की वैल्यू जो वन दे स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड, जो भी देना है स्टेट जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टॉगल फ्लिप फ्लॉप। हमने बस इतना देखा था और बेसिक कॉम्बिनेशन सर्किट का कंसेप्ट, और आप देख रहे हैं ना जो क्वेश्चन है कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है, तो आज हमने क्या है ना, क्योंकि आज पहला क्लास स्टार्ट किया है, तो लेकिन मैंने देखा कि आप लोग एक बार कम से कम फीडबैक बताइए तो चैट में, ये क्लास ठीक है, हमें कंटिन्यू करना चाहिए ऑनलाइन, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए, यस नो, ये अच्छा लगा आप लोगों को, यस, और बाकी लोग सिर्फ शारदा का आंसर है यस, बाकी छह लोगों को अच्छा नहीं लगा, सात लोग ही तो है आप लोग, यस, चलो सर बहुत अच्छा। तो इसमें क्या है, आप जितना बोलिएगा हम उतना पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते ही होंगे, ठीक है, तो क्योंकि आज पहला क्लास था हम लोग यहीं रुकते हैं, और हम लोग कल कल इसी में आगे चलेंगे, और जितने भी चीजें हैं एग्जाम से पहले तक, आपका 23 को एग्जाम है तो मैं कोशिश करूंगा 20 तक ना, मतलब पूरा चीज एक बार रिवाइज करवा दूं, ठीक है, आप बस एक काम करिएगा जो आपके फ्रेंड सर्कल में है ये जरूर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी थोड़ा फायदा मिल पाए, ठीक है ना, और हमारी भी थोड़ी पब्लिसिटी, ओके, तो ठीक है, मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।